दोस्तों स्वागत है आपका आईपीएल 2018 से जुड़ी एक और नई वीडियो में। दोस्तों हमने आपसे पूछा था अपने सवाल पूछने के लिए आईपीएल 2018 से रिलेटेड, और दोस्तों जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास आए वो थे मिचेल सैंटनर को लेकर कि कौन करने वाला है मिचेल सैंटनर को रिप्लेस, कब तक रिप्लेसमेंट अनाउंस होगा, क्या होगा, चेन्नई सुपर किंग के पर्स में पड़े 6 करोड़ रुपए का। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इसी बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आईपीएल 2018 से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए, और दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मिचेल सैंटनर के रिप्लेसमेंट पर है वो ये कि वो सिर्फ उन्हीं प्लेयरों को रिप्लेसमेंट के तौर पर बुला सकते हैं जिनकी बेस वैल्यू आईपीएल 2018 के ऑक्शन में 50 लाख या उनसे कम थी। और यहीं पर दोस्तों पेच फंस जाता है, और बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे कि मार्टिन गप्टिल, हासिम अमला, लैंडल सिमंस जैसे खिलाड़ियों को रिप्लेस नहीं कर सकती है चेन्नई सुपर किंग की टीम, जबकि उनके पर्स में दोस्तों 6 करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यू बची हुई है। ऐसे में बस 50 लाख और उससे कम बेस प्राइस वाले प्लेयरों को जो है वो रिप्लेस कर सकती है चेन्नई सुपर किंग। और यहाँ पर 8 प्लेयरों की लिस्ट बनाई है बीसीसीआई ने, और इन्हीं में से एक प्लेयर जो है रिप्लेसमेंट के तौर पर चेन्नई सुपर किंग लाने वाली है। प्लेयरों की बात करें तो दोस्तों इस लिस्ट में टॉम लैथम है, जूनियर डाला है, कुशल परेरा है, बात करें तो डेविड वीजे है, जॉन हास्टिंग है, मैट हेनरी है, डेन पैटरसन है, और दोस्तों एंडिले फेलुकुवाया है साउथ अफ्रीका के। और इन 8 प्लेयरों की लिस्ट दी है चेन्नई सुपर किंग को, और इनमें से एक जो है चेन्नई सुपर किंग रिप्लेसमेंट के तौर पर बुलाने वाली है मिचेल सैंटनर के। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हो सैंटनर को लेकर, उनके रिप्लेसमेंट को लेकर। अगर हाँ तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा @ क्रिक हिंदी।